हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ CDP का टॉपिक, मोटिवेशन। अक्सर CTET या कोई भी स्टेट टेट है, उसमें मोटिवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं ये मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन इज ए नीड दैट हेल्प अस टू मूव टुवार्ड्स आवर गोल। मोटिवेशन एक ऐसी आवश्यकता होती है जो कि हमें हमारी जरूरतों की तरफ ले जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका जो गोल है या आपका जो एम है, वो क्या करना है, सीटेट को क्वालिफाई करना है। तो इसी के ऊपर आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक यानी इंटरनल, जो हमारे अंदर से आता है, जैसे अभिरुचि है हमारी, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल बाह्य, जो अन्य अन्य मतलब जैसे किसी को देख के या किसी को सुन के या किसी चीज को देखने सुनने से जो मोटिवेशन मिलता है, वो हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब जो मोटिवेशन है, उसको कुछ प्रेरक होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये प्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो वो इसमें मेनली 6 तरह के प्रेरक होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं या किसी चीज़ को मोटिवेट कुछ भी चीज़ को मोटिवेशन करने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो प्रेरक हैं, एक तो होते हैं जन्मजात प्रेरक। जन्मजात क्या होता है कि जो जैसे बच्चा पैदा होता है, तो कुछ प्रेरक ऐसे होते हैं वो उसके जन्म से ही होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, चाहे वो 1 घंटे का है, पैदा होने के बाद 1 घंटा है, 1 घंटे में बच्चे को भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, तो वो क्या होगा, जन्मजात प्रेरक। जैसे आपका है भूख, प्यास, निद्रा आदि जितने भी हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जैसे पैदा होते ही, तो ये होते हैं जन्मजात प्रेरक। एक होता है अर्जित प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो अर्जित किए जाते हैं, जो एक्वायर किए जाते हैं किसी को देख के या किसी को सुन के। तो जैसे आपकी रुचि है, किसी चीज़ में रुचि है, तो देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हाँ मुझे सचिन जैसा बनना है या सौरव गांगुली जैसा बनना है, या कोई बहुत अच्छा बॉलर बनना है या बहुत अच्छा पेंटर बनना है, तो वो होता है अर्जित। रुचि है या किसी चीज़ की आदत है, ये चीज़ें किसमें आ जाएंगी, अर्जित प्रेरक में। उसके बाद आता है आपका मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या होते हैं, जैसे आपका क्रोध है, किसी चीज को देख के हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर डर होता है, भाई, प्रेम, दुख, ये सारे क्या है, ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। उसके बाद आता है सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक में क्या आता है, आपका आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि। मतलब जो चीजें हमें समाज में देखने को मिलती हैं, मतलब जैसे समाज में है कुछ भी चीज है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको देखने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, या कोई भी चीज है समाज में जो अच्छे है, बुरे काम हो रहे हैं, वो जो उस चीज से हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, वही क्या हो जाते हैं, आपके सामाजिक प्रेरक हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक स्वाभाविक प्रेरक, जैसे जो स्वभाव से होते हैं हमारे, जैसे खेल है, अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब है कि कोई बहुत अच्छा काम करता है किसी भी फील्ड में, तो हम उसका क्या करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो उसी को अनुकरण कहा जाता है। उसके बाद है सुझाव। जैसे कोई सुझाव देता है कोई काम करने के लिए, नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें नैतिक होना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सुझाव है। प्रतिष्ठा, किसी के प्रतिष्ठा बोलते हैं, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है, तो प्रतिष्ठा का मतलब है अच्छे काम करोगे तभी हमारा नाम होगा ना, तभी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और लास्ट वन है आपका कृत्रिम, आर्टिफिशियली, ठीक है। उसमें क्या आता है कि जैसे जो बाह्य चीज है, जैसे कोई चीज है, दंड है, ठीक है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, ये सारे क्या हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं। ये कृत्रिम प्रेरक हैं जो कि हमें किसी काम को करने के लिए, जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि आप
80% लाओगे तो हम आपको कुछ अवार्ड देंगे। तो ये भी एक प्रेरक है, जिसको किसकी कैटेगरी में आता है, ये कृत्रिम प्रेरक की कैटेगरी में आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स।